बर्फ में खामोश हैं, जब बिगुल बजेगा तो वे उठेंगे और फिर से मार्च करेंगे। ये शब्द हैं भारतीय सेना के, उनके लिए जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। ये शब्द हैं देश के उस अग्निवीर के लिए जो युवावस्था में ही अपने शौर्य का जौहर दिखाकर शहीद हो गया और देश में सबसे पहले शहीद होने वाला अग्निवीर बन गया। उस सियाचिन ग्लेशियर में जहां जब सर्द हवाएं चलती है तो हड्डियों को भी कपा देती हैं, जहां जब बर्फ पड़ती है तो तापमान -45 से 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, कितनी कठिनाई में वो वहां देश की सुरक्षा करते हैं और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पानी भी जम जाता है, जहां खुद को गर्म रखने के लिए न जाने कितनी ही मेहनत करनी पड़ती है। उस ग्लेशियर में देश की रक्षा करते हुए अग्निवीर जवान गवाते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए, जिसके बाद उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। सियाचिन में भारत के नाम कई कीर्तिमान हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख ये कि पाकिस्तान जब सियाचिन की चढ़ाई करने वाला था तो भारत के खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली, जिसके बाद भारत को इस क्षेत्र में भी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत महसूस होने लगी। इसके बाद भारत ने भी सियाचिन पर चढ़ाई की और पाकिस्तान से पहले सियाचिन में देश का परचम लहराया। तब से लेकर अब तक भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा करती है। अक्षय लक्ष्मण फायर एंड फ्यूरी कोर के सैनिक थे। इसके बाद जब उनकी शहादत हुई तो फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, चुप रहने के लिए बर्फ में वो सो गए, जब बजेगा बिगुल तो उठेंगे वो और फिर से मार्च करेंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सभी जवान और अधिकारी कठिन चोटियों में अपनी सेवा के दौरान अग्निवीर गवाते लक्ष्मण को सैन्य बलिदान को सलाम करते हैं और उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके बाद भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, सीओएस जनरल मनोज पांडे और भारतीय सेना के सभी रैंक के लोग सियाचिन की दुर्गम ऊंचाइयों पर कर्तव्य निभाते हुए अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। भारतीय सेना इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अग्निवीर अमृतपाल की मौत हो चुकी है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला था, जिसके बाद खूब राजनीति हुई थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि अग्निवीरों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता। सेना ने बताया कि उनके सीने पर गोलियों के निशान थे, हालांकि सेना ने इस पर स्पष्ट किया था कि गोली उनकी सर्विस राइफल से ही चली थी, ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। अब गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।